नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। तो अगर मैं बात करूं आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग की, तो सबसे पहले इसका किस लिए प्रयोग किया गया? जैसे कि हम अगर जानते हैं सबमरीन्स, जिनको पनडुब्बियां कहते हैं, या जलयान, तो इनका जो डिजाइन है वो ऐसे बनाया जाता है कि ये पानी में ना डूबे। भाई मानवीय बात है, हम नहीं चाहते कि कोई भी इस तरीके की जो हमारे पास डिवाइस है, जो युक्ति है, वो डूबे। तो जब इसको डिजाइन किया जाता है तो फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दुग्ध मापी, जो कि दूध में कितनी शुद्धता है इसको जांचने के लिए प्रयोग करते हैं, इसमें भी आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या करता है, कोई भी जैसे द्रव है, कोई लिक्विड है, उसकी डेंसिटी घनत्व मापने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हाइड्रोमीटर कहते हैं, और इसका प्रिंसिपल भी आर्किमिडीज के ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है।